ecosystem dominated by trees. What does it mean? इसका मीनिंग क्या है? हमने क्या कहा था कि नंबर पिरामिड ऑफ नंबर इट इज यूजुअली अपराइट. पिरामिड ऑफ नंबर इन एन इकोसिस्टम वेयर ए ट्री इज इनहैबिटेड बाय मेनी बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्टेड पिरामिड. तो जब भी ट्री का नेम आएगा तो हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि ट्री के ऊपर बर्ड्स रहते हैं तो इट विल बी इनवर्टेड पिरामिड. तो व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि जो ट्री पर इकोसिस्टम ट्री वाला है इट शुड हैव इनवर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर. बट नो, ये कहता है डोमिनेटेड बाय ट्रीज. इस इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा है. अगर नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर बर्ड्स उतने नहीं हैं. तो दिस पिरामिड विल बी अपराइट पिरामिड. ये कैसा पिरामिड होगा? अगर वो कहता है कि ए ट्री इज इनहैबिटेड बाय मैनी बर्ड्स, एक सिंगल ट्री इट इज इनहैबिटेड बाय मैनी बर्ड्स, वो बहुत से बर्ड से इनहैबिट हो रहा है, तब ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा. अगर इकोसिस्टम जो है इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज मींस वहां पर नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा है, तो जो पिरामिड होगा दैट विल बी एन अपराइट पिरामिड. तो आंसर क्या हो जाएगा? पिरामिड ऑफ नंबर विल बी अपराइट पिरामिड. सी, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज. प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स लिमिट कर रहे हैं? टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ये सभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बट वाटर के अंदर सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, अदरवाइज भी लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, ये सब अफेक्ट करते हैं. बट पानी में जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट है वो थोड़ा कम होता है, तो इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. तो लाइट इसका आंसर आ जाएगा. नोट कर लें, लाइट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज लाइट, क्योंकि लाइट डेप्थ के साथ डिक्रीज हो जाती है. डी, क्वेश्चन नंबर वन है, पार्ट डी है, कॉमन डेट्रीबोर्स इन अवर इकोसिस्टम आर. कॉमन डेट्रीबोर्स इन अवर इकोसिस्टम आर, कौन कौन से हैं डेट्रीबोर्स? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर डेट्रीबोर्स. डेट्रीबोर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक, इसको जो खाने वाले हैं दे आर कॉल्ड डेट्रीबोर्स. तो डेट्रीबोर्स यहाँ कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, आपका आंसर बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई, अर्थवॉर्म इवन, मिनोज, all these are detritivores. ये detritus या dead and decaying organic matter को खाते हैं. bacteria हैं, fungi हैं, earthworm हैं, minnows हैं, these are detritivores. The major reservoir of carbon on earth is, major reservoir of carbon, fossil fuels. ज्यादा कार्बन कहां से आ रही है? फॉसिल फ्यूल से. सिंपल आंसर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. फॉसिल फ्यूल से हमें कार्बन मिल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अब इसको हम रब कर रहे हैं. इफ इन द ब्लैंक्स इस बार एमसीक्यूज वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो इनको थोड़ा सीरियसली देखेंगे. अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। एक फूड चेन आपको दिया गया है, क्या क्या होते हैं फूड चेन में? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ये उसने कहा है फूड चेन है। विच वन? अब देखिए ये नीचे सभी आवक, दीज आर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स ये भी ट्रॉफिक लेवल फॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म कर रहे हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये, हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स हो गए हैं। तो डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को आप काउंट करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स इज मैक्सिमम। डिकम्पोजर्स हैव मैक्सिमम नंबर। अगर वो नंबर पूछ रहा है तो मैक्सिमम नंबर डिकम्पोजर्स का होगा। आंसर विल बी डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक, किसी भी लेक में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? अब होते क्या हैं? पहले प्रोड्यूसर्स होंगे लेक में, फाइटोप्लैंकटन्स, फिर प्रोड्यूसर्स इनके बाद होंगे जूप्लैंकटन्स, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में फिश हो सकती हैं, फिश, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर के रूप में बर्ड्स हो सकते हैं। मैंने ड्रॉ किया है एंड द क्वेश्चन इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर्स का है, producers form the first trophic level and zooplanktons they form the second trophic level. तो आपका आंसर में देखिए zooplanktons हैं, तो आंसर विल बी बी, और बी में क्या है? zooplanktons। तो जो zooplanktons हैं दे फॉर्म second trophic level in a lake or water body। secondary producers are, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो गए हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। हाउ मच बायोमास दे सिंथेसाइज, कितना बायोमास ये बना रहे हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स क्या करते हैं? बायोमास प्रोडक्शन यानी के प्रोडक्टिविटी। अब इन का जो प्रोडक्ट है प्लांट्स को कौन कंज्यूम करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स हैं। और हर्बीवोर्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल्स हैं यानी कि कंज्यूमर आ गए हैं। तो कंज्यूमर से कारण जो प्रोडक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो अब कौन सा आपका क्वेश्चन बन गया? सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन हो गई? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। ऐसा क्यों है ये सोच लो, क्योंकि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इट इज ड्यू टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के लेवल पर होती है, और कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकल सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन? रब कर देते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दो को। मैं एक बार बता दूं आपको, पहले एक बार फिर क्लियर कर दूं। इसे चैप्टर भी कंप्लीट आपका रिवाइज होगा,
What is PAR? Photo. Synthetically active radiation. It is that part of visible spectrum. Part of visible spectrum of light. ये वो पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम का विच फेवर्स फोटोसिंथेसिस. ये वो पार्ट है जो हमारी विजिबल लाइट है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की जो लाइट है, इट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम. इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं. और इस विजिबल स्पेक्ट्रम में से आप जानते भी होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन रेड कौन सी लाइट, या ब्लू लाइट रेड लाइट या ग्रीन लाइट कौन सी ज्यादा फेवरेबल है, वो फोटोसिंथेसिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए. रेड लाइट और ब्लू लाइट वो मैक्सिमम फेवरेबल होती हैं, उनमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है. ग्रीन लाइट में लीस्ट फोटोसिंथेसिस होता है, कम से कम सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है. बट अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये PAR आपको समझ आ गया कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है. और जो कोई भी PAR है, जो PAR है ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 50% ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन प्लांट्स. इसको नोट कर लें आप, PAR इज इक्वल टू 50% ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन प्लांट्स. प्लांट्स को जितनी भी लाइट मिल रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, 50% ऑफ इट इज PAR. और PAR का 2 to 10% या आप लिखें कि प्लांट्स कैन यूटिलाइज 2 to 10% ऑफ PAR, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10% ऑफ दिस PAR इट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स कैन यूटिलाइज 2 to 10% ऑफ PAR फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये दो पॉइंट्स आप लर्न कर लेते हैं या माइंड में रख लेते हैं, तब आपको क्वेश्चन देखा जाएगा क्या है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इट विल बी 50%. तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, बी 50%. बस इतना ही पूछा है. और अगर वो पूछ रहा है कि PAR का हाउ मच पोर्शन और हाउ मच पोर्शन ऑफ PAR प्लांट्स कैन यूटिलाइज, तब आपका आंसर हो जाएगा 2 to 10. वो ऐड नहीं किया इसने, PAR का 2 से 10% तक प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. डिस्टिंग्विश बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इसको मैं रब कर रहा हूँ. And I start with question number 6. Question number 6 has distinguished between first is grazing food chain, GFC. Grazing food chain and detritus food chain.
जितने भी हमारे ग्रासलैंड्स वगैरह में चेन हैं, फूड चेन्स हैं, दे आर ब्रेकिंग फूड चेन्स। कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? प्रोड्यूसर से। डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। सी, डेट्राइटस से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए प्रोड्यूसर्स हैं, वहां पर डेट्राइटस और फिर डेट्रीबोर्स हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, इनमें स्टेप्स और ट्रॉफिक लेवल्स कुछ कम होते हैं। डेट्राइटस फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल है इतने इंक्रीज बाय वन और टू ट्रॉफिक लेवल्स। प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, आपने पूरा डिकम्पोजिशन पढ़ा है। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ये आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी है। बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इन अ यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया। टाइम भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, उसमें हाउ मच बायोमास इज जनरेटेड, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। एंड डिकम्पोजिशन, जो लीव्स फॉल कर रही हैं, डेट्राइटस लिटर बन रहा है, उनका ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। थर्ड इज अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। सी, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड्स को क्लियर किए हैं ये आपको। अपराइट पिरामिड शेप विल बी लाइक दिस, दिस इज अपराइट पिरामिड। इसको लिखेंगे आप कैसे, हाउ यू राइट डाउन? फॉर एग्जाम्पल, जो पिरामिड ऑफ नंबर है या पिरामिड ऑफ बायोमास है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मोर एट द प्रोड्यूसर लेवल, या बायोमास इज मोर एट द प्रोड्यूसर लेवल। कंज्यूमर लेवल पर क्या है, नंबर एंड बायोमास लेस देन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट फिर आगे प्राइमरी कंज्यूमर के बाद यानी हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स हैं, यहाँ पर भी नंबर और अगर नंबर और मास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एन अपराइट पिरामिड, इसको अपराइट पिरामिड कहते हैं। लेकिन अगर पहले ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक बायोमास या नंबर इंक्रीज कर रहा है, देन इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो क्या होगा, नंबर या बायोमास दोनों ही कम होंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। नंबर क्या, नंबर ना लें यहाँ पर, बायोमास को ले सकते हैं आप, क्योंकि जरूरी के सारे कम होंगे। नंबर तो सिर्फ पेड़ पर हो सकता है कि ट्री इनहेबिटेड बाय मेनी बर्ड्स, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, तो पेड़ का संख्या एक है, प्रोड्यूसर एक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इनहेबिटेबल्स काफ़ी सारे हैं, उनके ऊपर पैरासाइट्स या फिर हाइपर पैरासाइट्स वो और भी ज़्यादा हैं। अगर पहले ट्रॉफिक लेवल पर नंबर कम और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी या नंबर जो आपका पैरामीटर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज इन्वर्टेड पिरामिड। बायोमास कम हो सकता है इन्वर्टेड और ये भी। लिटर एंड डेट्राइटस, लिटर तो बिल्कुल फ्रेशली फॉलन लीव्स को लिटर कहते हैं, नोट डाउन लिटर, इट इज freshly fallen leaves। इनमें तो अभी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन जब ये कुछ फॉल कर जाएंगे, गिर जाएंगे और फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, देन इट फॉर्म्स डेट्राइटस, इसके बाद डेट्राइटस बनता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी खूब डिटेल में हमने की थी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
अब दोनों को डिफाइन कर दें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट विल बी डिफरेंस ऑल्सो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या है, बायोमास प्रोडक्शन किस लेवल पर है, एग यहां पर हम मेंशन करेंगे पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया में एक निश्चित डेफिनेट एरिया में डेफिनेट टाइम में हाउ मच बायोमास इज प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इट इज एट प्रोड्यूसर लेवल। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो होगी एट द कंज्यूमर लेवल, कितना ऑर्गेनिक मैटर ये ले रहे हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। रेफर टू पेज नंबर, अगर आपको फिर भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो टेक हेल्प ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी निकालिए एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इट इज नेट, आपके एनसीईआरटी कहीं गो थ्रू हुई है, पेज नंबर 240, रेफर टू पेज नंबर 243, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास, ये भी बायोमास है, फॉर द कंजम्पशन टू हेटरोट्रॉप्स हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किस लेवल पर ली है, कंज्यूमर लेवल पर, क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। आपको ये क्लियर करना है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है इट इज एट कंज्यूमर लेवल एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एट प्रोड्यूसर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।